मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, लेकिन अफसरों की बेरुखी हैरान करने वाली है। अंबेडकर नगर के डीएम ने तो बाढ़ पीड़ितों से कुछ ऐसा कह दिया जो जख्म पर नमक से कम नहीं। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। यूपी के अंबेडकर नगर में सैलाब का पानी भरपूर ताकत दिखाने पर तुला है। घाघरा नदी का पानी गांव के रास्ते शहर और शहर की सड़कों गलियों तक में उफान पर है। अब अंबेडकर नगर के डीएम साहब को सुनिए। ये साहब बाढ़ से डूबे इलाकों का दौरा करने गए थे। लोगों ने वहां खाना मांगा, मदद मांगी, तो डीएम सैमुअल पॉल का वायरल हो रहा ये बयान सवाल खड़े कर गया। घर पे रहेंगे हम लोग, घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। इस इलाके में घाघरा नदी रौद्र रूप में गरज रही है, दर्जनों गांव चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 18 जिले इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। घाघरा नदी से लेकर छोटी बड़ी दर्जनों नदियों का पानी दुश्मनी निकाल रहा है। अम्बेडकर नगर भी बेहाल है और लोगों के कुछ सवाल हैं। कल से इनके खाने पीने की भी दिक्कत है। हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाया, इसके लिए कहा भी गया कि जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रयास दिखा नहीं है शासन प्रशासन से। डीएम साहब का वायरल बयान तो आपने सुना, लेकिन दौरे के बाद उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि बाढ़ चौकी पर आए, साफ पानी, दवा, खाना, हर मदद पाए। के लिए व्यवस्था है, ग्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। इससे पहले सिद्धार्थनगर में सांसद महोदय पहुंचे तो एसओ साहब टकरा गए। पुलिस वाले साहब छाता ताने ट्रैक्टर पर बैठे थे। सांसद ने पूछा कि भाई जनता की फिक्र है या अपने जूतों के भीग जाने की? जूता चप्पल नहीं भीग रहा, क्या समझा लोग कर रहे तो पानी भीग रहे। अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे जनता जनता हम जाके करी सर, उनसे भी कैसे उतर जाए। आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो। सांसद घूम रहा है, कोई हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे यार। आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पे बैठे रहो, बाढ़ में दो कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आंसू पोतने मैंने अभी की एसपी से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।